तो क्या हाल चाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस महीने मुझे कौन से ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन है जो 10,000 के अंदर उपलब्ध है मार्केट में, क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था इस वीडियो के बारे में कि यार मुझे कौन से वो 5 स्मार्टफोन है जो 10,000 के नीचे जो मुझे पर्सनली पसंद आए हैं और जिनको मैं आप सबको रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ आप इन वाले स्मार्टफोन को ले सकते हो लॉन्ग टाइम यूज के लिए, मतलब 1-2 साल के लिए। तो आज हम ऐसे 5 स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे और मैं अपने ओपिनियन बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि वाले फोन को कंसीडर करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर एक ही रिक्वेस्ट है कि स्मार्टफोन के बारे में तो बताते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे, लेकिन एक काम आपका जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आने वाले टाइम में 6 महीने में पूरे 5,000 जो टारगेट रखा है वो होपफुली पूरा कर पाए। लेकिन वो तब पूरा हो सकता है जब आप लोग ईच एवरी वन सारे आप सपोर्ट करोगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे 5वें नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। मैं सीरीज बाय सीरीज है, पहले 5, 4, 3, 2, 1 मतलब ऐसे शुरू करूंगा। तो 5वें नंबर पे मैंने रखा है पोको C3 को। आपको बता दें 7,999 की प्राइस से स्टार्ट है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। एक चीज आपको पहले बता दूं, इन सारे स्मार्टफोन की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, तो आप ईच एवरी वन को आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो 5वें नंबर पे मैंने रखा पोको C3 को, 7,999 की स्टार्टिंग प्राइस रखी है। दो स्टोरेज ऑप्शंस में 332 एंड 464, 6.5 इंच की एक HD+ की LCD डिस्प्ले है, 5000mAh की बैटरी है, MediaTek का G35 वाला प्रोसेसर है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 13-2-2 और प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है इस वाले फोन में। हालांकि USB Type-C पोर्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल 10W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया हुआ। अब आप लोग ही सोच रहे हो कि इस वाले फोन को मैंने क्यों कंसीडर किया 5वें नंबर पे, तो एक इसका एक रीजन है कि इसमें आपको एड्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि Xiaomi के मोस्टली फोनों में एड्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पोको ये क्लेम करता है कि हम क्लीन UI देंगे पोको लॉन्चर की वजह से, जिसमें आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैंने इस वाले फोन को 5वें नंबर पर रखा। मेरे हिसाब से फोन अच्छा है, आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो, लेकिन Redmi 9 का ये एक रीब्रांड वर्जन है तो ये आप जरूर ध्यान रखना। इसलिए मैं Redmi 9 को ना कंसीडर करके Poco C3 को कंसीडर कर रहा हूं। अगर 4th नंबर की बात करें तो यहां पे मैंने Realme के C11 को रखा है। आपको बता दूं Realme ने 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे जिनमें Realme C11, Realme C12, Realme C15, तीनों MediaTek Helio G35 पे रखा है, लेकिन मैं दोनों को कंसीडर ना करके Realme C11 को कंसीडर कर रहा हूं। इसमें भी आपको दो स्टोरेज ऑप्शन में जिसमें 7,499 की प्राइस स्टार्टिंग रखी है, लेकिन एक इसमें माइनस पॉइंट ये है कि इसमें 232 से स्टार्ट है और 364 का एक लास्ट वेरिएंट है, तो ये माइनस है, इसमें वीकनेस देखने को मिले। 6.5 इंच की एक LCD HD+ की डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी है, नॉर्मल 10W का फास्ट चार्जिंग है, 13+2 का एक रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, MediaTek का Helio G35 वाला प्रोसेसर इस वाले फोन में भी है। अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल होगा कि इस वाले फोन को मैंने क्यों कंसीडर किया। Realme की जो सी सीरीज आई थी वो काफी बजट सेगमेंट की आई थी, काफी ज्यादा पॉपुलर भी रही है, तो इस वाले फोन को मैं अगर देखूं तो 7,500 में एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। तो इसे आप जो लॉन्ग टर्म 1-2 साल या फैमिली यूज के लिए ले सकते हो, क्योंकि Realme के जो Realme UI की वजह से इसमें एड्स वगैरह देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, तो इसलिए इस वाले फोन को मैं 4th नंबर पर सजेस्ट कर रहा हूं। अब अगर बात करें तो 3rd नंबर की, तो 3rd नंबर मैंने Realme के Narzo 20A को रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब दिवाली की सेल हुई थी उसको परचेज करके रिव्यू भी किया था, काफी अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन जो कमियां थी उसमें, तो उसमें क्या था, USB टाइप सी पोर्ट की जगह USB B दिया था, प्लस और साथ में पीछे की तरफ आपको एक प्लास्टिक डिजाइन दी थी, लेकिन वो प्लास्टिक देखने में, दूसरी चीज में आपको डिस्प्ले HD+ की दे दी थी। हालांकि इस प्राइस रेंज के साथ Realme जो Narzo 20 सीरीज आई थी काफी ज्यादा मिक्स कंफ्यूजन के साथ लॉन्च किए थे, लेकिन इसमें से मैंने Realme Narzo 20A को पिक किया है। 6.5 इंच की इसमें भी डिस्प्ले, 6000mAh की बैटरी है, नॉर्मल 10W का चार्जर है, 13+2 का कैमरा, 8K सेल्फी है, और MediaTek का नहीं Snapdragon का 665 वाला प्रोसेसर दिया है, Realme UI है, इसलिए मैंने इसे 3rd नंबर पे कंसीडर किया है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस हो सकता है अंडर 10K में।
फोन बहुत अच्छा है, फोटोज भी इसकी बहुत अच्छी आती है, रिव्यू मैंने किया, चैनल पे डाला है, तो अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर चेकआउट करें। इसलिए मैंने इस वाले फोन को थर्ड नंबर पे रखा है। अब अगर सेकंड नंबर की बात करें, हालांकि Realme Narzo 20 की प्राइस 8499 है, दो स्टोरेज ऑप्शन में 332 एंड 464, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं, 8499 की प्राइस है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी। अगर मैं अब फोर्थ सेकेंड नंबर की बात करूं तो यहां पे मैंने Realme के C3 को रखा है, हालांकि 232 से ये भी है 364 तक जा रहा है, लेकिन इसकी प्राइस जो 7999 रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मैंने सेकंड नंबर पे कंसीडर क्यों किया। रीजन इसका इस सीधा सीधा सिंपल है कि इसमें MediaTek का Helio G70 वाला प्रोसेसर दिया है, इसलिए मैंने इसे सेकंड नंबर पे कंसीडर किया है। 6.52 इंच की HD+ की डिस्प्ले है, 12+2 का एक रियर कैमरा, 8 की सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी और MediaTek का G70 वाला प्रोसेसर है। Android 10 के साथ Realme UI इसमें भी है, Realme UI की वजह से एड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने इसे सेकंड नंबर पे रखा हुआ है। अब अगर पहले नंबर की बात करूं तो यहां पे मैं Redmi के 9 Prime को रखा, हालांकि जब ये लॉन्च हुआ था तो मार्केट में तहलका एक तरह से मचाया था, क्योंकि 10,000 के प्राइस में उस टाइम तक फुल HD+ की डिस्प्ले नहीं थी किसी भी ब्रांड के पास किसी भी मोबाइल पे। इसने अंडर 10K में लॉन्च किया, हालांकि रीब्रांड किया ग्लोबल वर्जन से, लेकिन अंडर 10K में लॉन्च किया, फुल HD+ की डिस्प्ले दी, MediaTek का Helio G80 वाला प्रोसेसर दिया, दो स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया, जिसमें 464 की प्राइस 9999 रुपए, हालांकि जब ये सेल चल रही थी दिवाली की तो ये फोन 8,8200 या 8,8500 की प्राइस में भी बिका है अमेजन में। और दूसरा इसका हाई वेरिएंट है, जिसमें आपको 4128 का स्टोरेज दी, वो करीब 12,000-12,500 के आसपास है, उसका लेने कोई मतलब नहीं बनता, 464 भी है। इसकी अगर हाईलाइट की बात करूं तो 13+2+2 का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 8 की सेल्फी दी है, MediaTek का Helio G80 वाला प्रोसेसर दिया, 5020mAh की बैटरी दी है, USB Type-C पोर्ट के साथ यहां पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, हालांकि MIUI 12 इसमें देखने को मिलती है, और तो एड्स तो जरूर आते हैं, कुछ बराती भी इसमें साथ में चले आते हैं, क्योंकि मैंने अभी पिछले साल का यानी 2019 का Redmi 8A Dual भी रिव्यू किया था, तो उसमें फोर्सफुली कुछ ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करा रहे थे स्वामी वाले, तो अगर कुछ बराती इसमें जरूर चले आते हैं, लेकिन हाँ जो बैन एप्स वगैरह वो इंडिया में देखने को नहीं मिलती, हाँ एड्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस वाले को एक स्पेसिफिकेशन की वजह से पहले नंबर पर मैंने कंसीडर किया है। होपफुली आपको इस पांचों स्मार्टफोन में अपना एक चॉइसेबल स्मार्टफोन जो अंडर 10K में आप ढूंढ रहे हो वो जरूर आपको सेलेक्ट कर, हालांकि अब नॉन चाइनीज में अगर आप देख रहे हो तो वहां पे सैमसंग M01 करके एक स्मार्टफोन आपको मिल सकता है, लेकिन उतने ज्यादा स्पेसिफिकेशंस इस नहीं प्रोवाइड कर रहा उसमें, तो इसलिए मैंने उसको बाहर रखा है। तो अगर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो सैमसंग का एक M01 है, वो करीब 7-8 हज़ार के आसपास उपलब्ध है। बाकी माइक्रोमैक्स का फोन इसलिए मैंने नहीं रखा क्योंकि वो अभी ना एक मिक्सअप है फीलिंग आ रही है उसके बारे में, हालांकि कुछ चीजों में प्लस पॉइंट है कुछ चीजों में माइनस पॉइंट है, तो लेकिन जब तक उसे मैं टेस्ट नहीं कर लेता प्रॉपर परमानेंट तरीके से तब तक उसमें कंसीडर नहीं कर सकता। अगर ऑन पेपर अगर मैं बात करूं तगड़ा स्मार्टफोन है इन सारे फोन्स के कंपटीट में किया था, तो ऐसे ना थोड़े बहुत चीजें हैं तो जो अपडेट के बाद उसे सॉल्व की जा सकती, तो एक टाइम अगर वो चीजें सॉल्व हो जाए इसके बाद में माइक्रोमैक्स के हम फोन को रिकमेंड कर सकते। वैसे मैं बहुत जल्द इसे परचेज करने वाला हूं, तो चैनल पे आपका इसका वीडियो जरूर जल्दी से जल्दी देखने को मिल सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा हो। टॉप 5 अंडर 10K में स्मार्टफोन रखे मैंने, तो शायद आपको पसंद आए, अच्छा भी लगा हो। तो अगर वीडियो पसंद आए इस वाले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर इस वीडियो से आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम या हर जगह मिल जाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।